The house, the only one in entire valley, sat on the crest of a low hill. पूरी घाटी में एक अकेला घर छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From his height, one could see the river and the field of ripe corn. उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों और पकी फसलों के खेतों को देख सकता था। ऊंचाई पर था, dotted with flowers that always promised a good harvest. Dotted means होता है लदा होना, फूलों से लदा होना, जो फूलों से लदे हुए थे और अच्छी फसल का वादा करते थे। देखकर लगता था कि अच्छी फसल होगी। तो उस पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी नदियों और फूलों से लदे फसल को देख सकता था, जो अच्छी फसल का वादा करती थी। देखकर ही लगता था कि फसल अच्छी होगी। The only thing that earth needed was a downpour, or at least a shower. धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, या होती है मूसलाधार बारिश या कम से कम बूंदाबांदी। अगर मूसलाधार बारिश नहीं थी, throw out the mourning Lencho who knew his field intimately. इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से, तो थ्रो आउट मतलब पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, एकदम अच्छे से, कब क्या किस चीज की जरूरत है। Had done nothing else but see the sky toward the northeast. उसने कुछ नहीं किया, toward मतलब की ओर, उत्तर पूरब की ओर, आसमान को देखने के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ देखता रहा उत्तर पूरब की ओर आसमान को। तब कहा, Now we are really going to get some water, woman. अपनी पत्नी से कहा कि बीबी, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। बीबी, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God's willing." God's willing मतलब हाँ, भगवान की इच्छा से। तो औरत जो रात का भोजन पका रही थी, सपर, जवाब दिया, हाँ भगवान की दुआ से, काश कैसा हो जाए, पानी की जरूरत तो है ही। The older boys were working in the field. Next line है कि the older boys यानी कि बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। देखिए, बड़े हैं तो काम करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। While the smaller ones were playing near the house, क्या बात है, smaller one, छोटा सा, वो भी अकेला है बेचारा घर के पास, जबकि एक छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। छोटा तो दूर कहाँ जाएगा, लेकिन अकेले क्या खेल रहा था। Until the woman called to them all, Come for dinner. Dinner और सफर एक ही बात है। तब तक औरत ने सभी को रात के भोजन के लिए बुला लिया। Dinner और सफर मतलब रात का भोजन।